दोस्तों जैसे जैसे बिग बॉस का सीजन अब आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं सबने अपने मन में जो विनर होंगे इस वाले सीजन के, वो कहीं ना कहीं सबने डिसाइड कर ही लिए होंगे। कई सेलिब्रिटीज के इस पे रिव्यू भी आए, किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ कहना था, किसी का कुछ मानना था कि कौन विनर बनेगा, किसी का कुछ मानना था, किसी का मानना था कि रूबीना दिलाई हो सकती है, किसी का मानना था कि राहुल वैद हो सकते हैं, और किसी का तो मानना ये भी था कि एजाज खान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलें, अगर थोड़ा पीछे की बात करें तो उसमें जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तो उसमें काफी ट्रेंड किया था, सबसे पहले निक्की तमोली ने, एजाज खान ने भी ठीक ठीक ट्रेंड कर ही लिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे शो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दो सितारे ऐसे निखर के आ गए जिनमें की थे रूबीना दिलाई और राहुल वैद्य। और अब ये दोनों इतना निखर चुके हैं, इतना लोगों के सामने आ गए, इतना लोगों को इनका सपोर्ट मिल चुका है कि ये दोनों काफी ट्रेंड भी कर चुके हैं, सोशल मीडिया पर इनके काफी चर्चे भी रहते हैं, इनका फैंस भी इनका काफी सपोर्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल तो टक्कर है इन दोनों की ही। लेकिन अगर रूबीना दिलाई की बात करें तो रूबीना दिलाई का फैन बेस राहुल वैद्य से ज्यादा अच्छा है, उनकी फैन सपोर्टिंग भी उनसे ज्यादा अच्छी है, उनके फैन उनका हर बार साथ भी उनसे ज्यादा अच्छा रहते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि राहुल वैद्य के फैंस उनका साथ नहीं देते। अभी जो कल के प्रोमो में देखने को मिला उसमें ये था कि जो राहुल वैद्य हैं वो सलमान खान के साथ आपको झगड़ते हुए दिख जाएंगे, झगड़ते हुए नहीं कहेंगे, वो आपको थोड़ा आर्ग्यू करते हुए उसमें नजर आ जाएंगे। इसमें राहुल वैद्य का कहना ये होगा कि सबका कहना ये होता है कि आप घर से भाग के चले गए थे या फिर आप किसी से डर गए थे इसलिए आप घर से चले गए थे, तो इसमें सलमान खान भी आपको थोड़ा भड़कते हुए दिख जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि विनर की इसमें कौन हो सकता है तो उसमें रूबीना दिलाई शायद ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है, शायद वो राहुल वैद्य से ज्यादा अच्छी पोजीशन पर है। और वो क्यों हुआ, और वो हुआ शायद इसलिए कि राहुल वैद्य घर से बाहर चले गए थे और उसके बाद ही इनकी घर में री एंट्री हुई थी, तो शायद हो सकता है कि इनसे इनका फैन बेस थोड़ा कम हो गया हो, थोड़ा हल्का पड़ गया हो। लेकिन फिलहाल तो जिस तरीके से इन दोनों की टक्कर है उसी से तो यही लगता है कि अगर कोई विनर होगा तो बिग बॉस में वो होगा राहुल वैद्य और या फिर रूबीना दिलाई। लेकिन देखने वाली चीज ये होगी कि कब सीन पलट जाए या फिर इन दोनों को ही पछाड़ के कौन आगे आ जाए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि बिग बॉस के घर में आए दिन जो सीन पलटते हैं, आए दिन जो आर्ग्यू हो जाते हैं, आए दिन जो बिल्कुल ही सीन पलट जाता है, उसको देखकर कुछ कह भी नहीं सकते कि आगे क्या हो जाए, कौन विनर बन जाए। लेकिन फिलहाल तो मानना यही है कि हो सकता है कि इन दोनों में से ही कोई विनर बनेगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस और अपने रिव्यू हमें देते रहिए, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपका इस पर क्या है कहना, आपको क्या लगता है कि इसके सीजन का विनर, आपको क्या लगता है कि इस बार के सीजन का विनर कौन होगा, हमें आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। और देखते रहिए बिग बॉस और बिग बॉस से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ।